हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर टू इज मैटर अराउंड अस प्योर में एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले पार्ट वन की जो वीडियो थी उसमें हमने फोर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर फाइव से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनस और हिट्रोजीनस मिक्सचर। सोडा वाटर, वुड, एयर, सोयल, विनेगर, फिल्टर टी। तो इन सबको हमें होमोजीनस या फिर हिट्रोजीनस मिक्सचर में कैटेगराइज करना है, क्लासीफाई करना है। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर इनमें से क्या हो जाएगा? सोडा वाटर, विनेगर, फिल्टर टी, ये क्या हो जाएंगे? होमोजीनस मिक्सचर ये होते हैं। इसके बाद हिट्रोजीनस मिक्सचर क्या हो गए? वुड, एयर एंड सोयल। तो ये क्या हो जाते हैं? हिट्रोजीनस मिक्सचर हो जाते हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जिसका जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम ही होता है। तो सोडा वाटर किसका मिक्सचर है? सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में इसको फ्यूज करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये सोडा वाटर बन जाता है, जो कि एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। विनेगर, एसिटिक एसिड, ये भी होमोजीनस मिक्सचर है। इसके बाद ये जो टी जो फिल्टर होकर आती है, ये भी होमोजीनस मिक्सचर ही कहलाती है। वुड जो होता है वो हमारे क्या होता है, ये बहुत सारे सेलुलोज हो गए, हेमी सेलुलोज, इनका मिक्सचर होता है, इसलिए ये हिट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। एयर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस होते हैं उनके कंपोजिशन से बनती है, इसीलिए ये क्या है? हिट्रोजीनस है। उसी प्रकार से जो सॉइल होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? हिट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। तो आपको एक कलरलेस लिक्विड दिया गया है, तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये प्योर वाटर है कि नहीं? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर क्या होता है। प्योर वाटर हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो प्योर वाटर वह वाटर होता है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही फिक्स्ड होता है। सो बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट एंड हियर बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कलरलेस लिक्विड। तो यहाँ पर हम अगर बॉइलिंग पॉइंट हमको कलरलेस लिक्विड का पता चल जाता है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये प्योर वाटर है कि नहीं। इफ द कलरलेस लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर ये कलरलेस जो लिक्विड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होने लगता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वाटर है वो क्या है? प्योर वाटर है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है प्योर वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए अगर ये 100 डिग्री टेम्परेचर पर अगर ये लिक्विड जो है बॉइल होने लगता है, तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये प्योर वाटर है। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो कि एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पूछा गया है, आइस। आइस क्या है? ये एक जो सॉलिड फॉर्म होती है किसकी? वाटर की। तो वाटर जो है हमेशा क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है? H2O से। तो ये हमेशा H2O से मिलकर बना होता है, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, इसीलिए हम आइस को जो है प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। बी, मिल्क। मिल्क जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है मिक्सचर होता है किसका? इसमें जो है कैल्शियम, प्रोटीन और ये वाटर का मिक्सचर होता है, इसीलिए मिल्क जो है एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। इसके बाद आयरन। आयरन जो है वो किससे? आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से, यानी कि इसमें जो मटेरियल है जो ये हमेशा आयरन के मॉलिक्यूल से ही मिलकर बने होते हैं आयरन, इसीलिए ये क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी प्योर सब्सटेंस होगा जो कि हमेशा HCl से ही मिलकर बना होता है। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या हो जाएगा हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड भी प्योर सब्सटेंस है, ये हमेशा कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसके बाद मरकरी। मरकरी को हम किससे लिखते हैं? Hg से, इसलिए ये भी क्या है? एक ही तरह के मॉलिक्यूल Hg से मिलकर बना है, इसलिए मरकरी भी क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस है। इसके बाद ब्रिक। ब्रिक के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हमको मड और वाटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए ब्रिक क्या हो जाएगा? एक मिक्सचर हो जाएगा, ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसी तरह से वुड। वुड भी क्या है हमारा? एक मिक्सचर हो जाएगा जो कि प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, इसमें लिग्निन और दूसरे तरह के सब्सटेंस होते हैं जो कि वुड मिलकर बनाते हैं। सेलुलोज होता है इसके अंदर, हेमी सेलुलोज होता है, इसीलिए प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाता। उसी तरह से एयर जो है वो भी मिक्सचर होता है गैसेस का, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस नहीं हो जाएगा। तो हमारे क्या क्या प्योर सब्सटेंस हो गए? आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी। क्वेश्चन नंबर एट पूछा गया, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। तो यहाँ पे कुछ मिक्सचर्स दिए गए हैं जिनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनका जो कंपोजिशन, सॉल्यूशंस का कंपोजिशन जो होता है जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बने होते हैं, तो कंपोजिशन हमेशा क्या होना चाहिए? होमोजीनस होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है सॉइल। तो सॉइल क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्यूशंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका जो कंपोजिशन होता है सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो कि होमोजीनियसली जो है वो मिक्सड नहीं होते हैं, इसीलिए
इसीलिए सॉइल जो है सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता। इसके बाद सी वाटर, सी वाटर क्या होता है, इसमें सॉल्ट और वाटर का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, होमोजीनस रहता है, इसीलिए सी वाटर क्या है, एक सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद एयर, एयर को भी हम सॉल्यूशन ही मानेंगे क्योंकि ये जो गैसों का मिक्सचर है वो हमेशा क्या है, जैसे नाइट्रोजन है वो 78% ही रहती है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 60% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.4% है, तो ये हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, इसीलिए एयर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एक सॉल्यूशन की कैटेगरी में इसको हम जो है कैटेगराइज करेंगे। इसके बाद कोल, कोल क्या होता है, कोल में कार्बन होता है, इसके बाद नाइट्रोजन एंड सल्फर के भी इसमें कुछ मिक्सचर्स होते हैं जो कि होमोजीनियसली मिक्स्ड नहीं होते, इसीलिए कोल क्या है, कोल एक सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। इसके बाद सोडा वाटर, सोडा वाटर को हम सॉल्यूशन कहेंगे, क्यों, क्योंकि सोडा वाटर बनता किस तरह से है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ फ्यूज कराते हैं हाई टेम्परेचर पर तो सोडा वाटर बनता है जिसका कि प्रोपोर्शन हमेशा होमोजेनसली होता है, फिक्स्ड होता है, इसीलिए सोडा वाटर जो हो गया वो भी सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या हमारे सॉल्यूशन कहलाएंगे, एक तो हमारा ये सी वाटर जो है वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, एयर जो है वो भी हमारा सॉल्यूशन है, उसके बाद जो सोडा वाटर है वो भी हमारा सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो यहाँ पर ये कुछ दिए हुए हैं मिक्सचर, इनमें बताना है हमको कि ये जो है इनमें से कौन जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट है जैसे कि हमने कोलोइडल सॉल्यूशन लिया था, तो कोलोइडल सॉल्यूशन जिन जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, अगर यहाँ पर हम लाइट के बीम को हम डालेंगे तो क्या होता है, इसके पार्टिकल जो होते हैं वो जो है लाइट के बीम को स्कैटर कर देते हैं। तो यहाँ हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि इनमें से कोलोइडल सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, तो वो जो भी सॉल्यूशन होंगे वही हमारे टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। तो जैसे कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, तो हमको पता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो किससे ये बना होता है, ये होमोजेनस जो है एक मिक्सचर होता है जिसमें कि जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और नेगडाई से हमको नहीं दिखाई देते, यानी कि इन पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए ये क्या हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं हो गया, इसलिए टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। उसके बाद मिल्क, मिल्क जो है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। इसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होता है, ये जो है इसमें ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, इसलिए टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, ये स्टार्च को जब हम वाटर के साथ हम इसको सॉल्यूबल कराते हैं तो क्या होता है, स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो लाइट के बीम है उसको स्कैटर कर देते हैं और ये हमको दिखाई देता है, इसीलिए स्टार्च सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन है और टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। तो इनमें से कौन कौन हो जाएंगे सॉल्यूशन जो कि टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे, जैसे कि एक हो जाएगा हमारा मिल्क, एक हमारा हो जाएगा स्टार्च सॉल्यूशन, तो ये दोनों जो हो जाएंगे ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसीलिए क्या दिखाएंगे, टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, तो यहाँ पर हमको क्लासीफाई करना है इनको एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में या फिर मिक्सचर में। तो हमको पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये मेटल या नॉन मेटल होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं जो कि एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उसी तरह से मिक्सचर होते हैं। तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम हमको पता है कि मेटल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा एलिमेंट। सॉइल क्या है, सॉइल हमारा जो है एक मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर की कैटेगरी में चला जाएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना होता है, सॉइल क्या है हमारा मिक्सचर हो जाएगा। सुगर सॉल्यूशन जो है, ये सुगर को जो है वाटर में जो मिक्स करके बनाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक मिक्सचर है, सुगर सॉल्यूशन क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर क्या हो जाएगा, ये धातु होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, कैल्शियम और जो कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से बनता है, जो कि एक कंपाउंड हो जाएगा। इसके बाद टिन, टिन भी आप जानते हो कि एक ये मेटल है, इसलिए ये एलिमेंट हो जाएगा। सिलिकॉन भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। इसके बाद कोल, कोल क्या होता है, एक मिक्सचर होता है कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसका ये मिक्सचर होता है, इसलिए कोल मिक्सचर हो जाएगा। एयर है, एयर तो आपको पता ही है कि ये जो है गैस का मिक्सचर है, इसीलिए एयर जो है हमारा मिक्सचर हो जाएगा। इसके बाद सोप जो होता है ये क्या होता है, ये हमारा कंपाउंड होता है। मीथेन, मीथेन को हम लिखते हैं CH4, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन का, इन सारे एलिमेंट से मिलकर ये बना है। उसके बाद ब्लड, ब्लड क्या है हमारा, ब्लड जो है ये हमारा आयरन हो गया, इसमें वाटर हो गया, तो ब्लड जो होता है वो हीमोग्लोबिन, ये क्या है हमारा, ये एक मिक्सचर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये जो है केमिकल चेंजेस है कि नहीं। तो सबसे पहले केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं होते हैं, अगर ये एक बार हो जाते हैं तो फिर इनको दोबारा हम जो है वो फिर से जो है उसको हम पहले वाली अवस्था में चेंज नहीं कर सकते हैं।
सो फर्स्ट क्या है, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। तो हमको पता है कि प्लांट जब एक बार ग्रो कर जाता है तो उसको दोबारा हम जो है पौधे में चेंज नहीं कर सकते छोटे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जब आयरन की जो रस्टिंग की जाती है तो फिर क्या होता है, आयरन को हम जो दोबारा से हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, ये हमारा क्या है, ये केमिकल चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को जो है मिक्स करते हैं उसके बाद अगर हम मैग्नेट को लाएंगे इसके पास, तो जो आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिर सेपरेट हो जाते हैं सैंड से, तो इसको फिर हम दोबारा जो है चेंज कर सकते हैं आयरन फिलिंग्स एंड सैंड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, ये क्या है, ये भी हमारा जब एक बार खाना बन जाता है तो दोबारा से हम इसको रॉ मटेरियल में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, ये भी हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, तो फूड का जब एक बार डाइजेशन हो जाता है तो फिर से हम इसको अनडाइजेस्टेड फूड में चेंज नहीं कर सकते, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। इसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं उसके बाद क्या होता है, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हम फिर से इसको क्या कर सकते हैं, आइस को हम चेंज कर सकते हैं वाटर में, इसलिए ये क्या है, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज हो गया। इसके बाद लास्ट हमसे पूछा गया है बर्निंग ऑफ अ कैंडल, तो हमको पता है कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल एक होता है हमारा जो है वो वैक्स का पिघलना होता है, वो क्या होता है, जो हम जैसे वैक्स को पिघलाते हैं तो क्या है कि वो फिजिकल चेंज होता है, उसमें क्या है वो फिर से दोबारा जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो कैंडल को जब बर्न किया जाता है तो क्या होता है, हमारा जो है ये हीट होती है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि कार्बन हो गया और ये हमारा जो है ऑक्सीजन हो गया, और उसके साथ साथ हमारे क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक जो है केमिकल चेंज है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो है वैक्स का पिघलना और ये बर्निंग ऑफ कैंडल, ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस है, ये केमिकल चेंज होता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू में हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है आप लोगों को मेरे ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का अपना लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप मुझे ज्वाइन कीजिए, तो जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो मैं आपको वहां पर PDF के रूप में दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू।